फोन को अलग अलग कैरी करने में प्रॉब्लम होती है? वेल, फोल्डेबल फोन इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकते हैं। टेक्नो ने एक लॉन्च किया है फैंटम वी फोल्ड 5G, जो कि लॉन्च हुआ था एट द प्राइस रेंज ऑफ 88,888 रुपीज। हमारे पास ये आया है व्हाइट कलर के वेरियंट में, और चलो बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। शुरू कर लेते हैं इसके डिजाइन के साथ। तो इसका जो बैक पैनल है वो टेक्सचर्ड है, अनलाइक एनी अदर फोल्डेबल फोन। इसमें ट्रिपल कैमरा एरे अवेलेबल है, फ्लैश लाइट्स अवेलेबल हैं। इसके साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, और उसके नीचे है पावर रॉकर बटन जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी माउंटेड है। अब इसके बॉटम में है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल अवेलेबल है, और है इसका सिम ट्रे। ये डुअल सिम फोन है। अब अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो जो इसका आउटर डिस्प्ले है वो है 6.42 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। अब अगर हम इसके इनर डिस्प्ले की बात करें तो ये है 7.85 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, अगेन विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। और इसका डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बड़ा है, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड से कंपेयर करोगे तो उससे भी बड़े साइज़ का इसका डिस्प्ले आपको मिल जाता है। What I felt after using it for more than 15 days, कि इसका जो इनर डिस्प्ले है उसका ब्राइटनेस कंपेयर टू आउटर डिस्प्ले के थोड़ा सा कम है, और बाकी इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, टेक्स्टिंग, ब्राउजिंग, सब कुछ बहुत ही कमाल का है। लेकिन एक ही लिमिटेशन है कि इट्स अ लिटिल हैवी, मतलब ये 299 ग्राम्स का फ़ोन है, तो as compared to normal phones, ये थोड़ा सा हैवी है। अब अगर हम इसके क्रीज की बात करें तो ऑलमोस्ट इनविजिबल क्रीज है, जिससे आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो ट्रिपल कैमरा एरे इसमें अवेलेबल है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का है, और जो बाकी दो कैमराज हैं 50 मेगापिक्सल्स एंड 13 मेगापिक्सल्स के हैं रेस्पेक्टिवली। इसके बाद जो इसके सेल्फी शूटर्स हैं वो 16 मेगापिक्सल्स और 32 मेगापिक्सल्स के हैं। तो अगर आप इसके लो लाइट पिक्चर्स भी देखोगे तो उनमें भी काफ़ी विजिबल ग्लेयर है। इसका एज डिटेक्शन अच्छा है, लेकिन अगेन सेल्फीज भी काफ़ी मीडियोकर सी हैं, बहुत ही एवरेज क्वालिटी की हैं। इसका पोर्ट्रेट मोड भी बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स क्लिक नहीं करता, सब्जेक्ट पे फोकस करता है, लेकिन पिक्चर क्लिक होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्प, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं नज़र आती। तो ओवरऑल कैमरा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। इसकी एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इज़ इट्स सिनेमैटिक मोड, जिसमें आप अपने हिसाब से वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो देन इट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी प्रीव्यू भी अवेलेबल है फॉर दोज पीपल जो कंप्लेन करते हैं कि हमारी पिक्चर्स अच्छी नहीं आई। इसमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आप एक साइड पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो और दूसरे साइड गैलरी से उन्हें मॉनिटर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000+, जिससे आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो तो काफ़ी सॉलिड होने वाला है। बाकी इसमें आप मल्टीटास्किंग भी बहुत स्मूथली कर सकते हो, डिफरेंट ऐप्स के बीच में जगल कर सकते हो। आप इसमें स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हो, जिसमें आप एक टाइम पर दो ऐप्स यूज़ कर सकते हो। बस उसका एक ही लिमिटेशन है कि जो कीपैड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और उससे थोड़ी इरिटेशन तो होती है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो इसमें आपको मिल जाता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 13, जिसमें थोड़ा बहुत ना के बराबर ब्लॉटवेयर है, लेकिन उसको आप आसानी से डिलीट भी कर पाओगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको 2-3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, तो वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ 1 साल का एंड्रॉयड अपडेट इसमें अवेलेबल है। अब बारी आ जाती है इसके बैटरी की। तो इसमें आपको मिल जाता है 5000 mAh की बैटरी विद 45 वॉट्स ऑफ चार्जर, जिसको आप 45-50 मिनट अगर चार्ज करोगे तो फुल चार्ज हो जाएगा, और आप 1-1.5 दिन तक एफिशिएंटली यूज़ भी कर पाओगे। तो आई थिंक इसकी बैटरी कैपेसिटी इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड आई थिंक दिस वॉज इट। बाकी आप नज़र डालिए इसके प्रोज एंड कॉन्स पर एक बार, और फिर आगे की बात करते हैं। आई थिंक टेक्नो हैज़ डन अ प्रिटी गुड जॉब फॉर देयर फर्स्ट फोल्डेबल फोन। बाकी दिस वॉज इट फॉर दिस रिव्यू। दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।